मेरी ग्राम पंचायत लगभग 2400 हेक्टेयर जमीन में बसी हुई है। 5,500 की आबादी है, लगभग 1800 परिवार है। जहाँ पर खनन होगा, जहाँ धरती माता का सीना चीरा जाएगा, वहाँ निश्चित तौर पर नुकसान होगा, चाहे वो किसी तरह का खनन हो। ये संगमरमर के पत्थर कचरा जो काम के नहीं है, उनको खानों से लाकर अच्छा माल तो बिक जाता है,
और जो कचरा है वो लाकर यहाँ डंप किया जाता है। अब यहाँ डंप किया जा रहा है तो इससे प्रदूषण भी फैल रहा है, लोगों को नुकसान भी हो रहा है, वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। अब देखिए यहाँ पानी डाला आपने, ये पानी 400 फीट, क्योंकि इस डंप यार्ड की ऊंचाई लगभग 400 से 500 फीट हो चुकी है जमीन स्तर से, यहाँ पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं। पर हमने ऐसी तकनीक विकसित की है, ऐसा काम किया है कि यहाँ पर घास उगाने का काम, मिट्टी की छोटी परत जमाने का काम, छोटे छोटे पत्थर डालने का, और उस पर वृक्षारोपण किया है, जिससे इन प्रदूषण फैलाने वाले पहाड़ों पर भी वापस हरियाली होने लगी। इन पहाड़ों पर पौधे लगाने का काम पक्षी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ पौधे ऐसे लगा दिए हैं जिस पर आकर पक्षी बैठेंगे। यहाँ पानी की व्यवस्था कर दी है जिससे यहाँ पानी पिएगा और यहाँ बीज डालेगा पक्षी। ये पौधे जो पेड़ बन रहे हैं, इनकी पत्तियाँ गिरकर नीचे खाद बनेगी, और ये मलबे के पहाड़, कचरे के पहाड़ आने वाले कुछ सालों में, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, एक समय ऐसा आएगा कि ये प्राकृतिक रूप ले लेंगे। इन पर मिट्टी होगी, इन पर पेड़ पौधे होंगे, और ये लोगों को, प्रकृति को बचाने का काम करेंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यार गुंदो कतरो गजब रसा लियो है। हाँ अब वो देख सतूत देसी, ये पेड़ है शीशम का, अब इस पर असंख्य बीज उग रहे हैं। ये असंख्य बीज है, ये नीचे गिरेंगे और प्रकृति, इस पहाड़ियों पर असंख्य पौधे इसके उगेंगे। आप देखिए ये अरड़ू, अरड़ू का पौधा है जिसकी प्लाई बनती है, खिलौने बनते हैं। इस तरह के असंख्य पौधे यहाँ लगे हैं। अब पौधे, ये पेड़ ही अपने पौधे तैयार कर रहे हैं। अब ये बीज देखिए, लाखों लाखों बीज इन पेड़ों पर तैयार हो रहे हैं, जो हवा के साथ, आंधियों के साथ उड़कर कहीं न कहीं रुकेंगे। उस पर आंधियों के साथ आई हुई मिट्टी रुकेगी, फिर जैसे ही बरसात की पहली बूंद गिरेगी वो अंकुरित होकर पौधे बनेंगे। ये प्रकृति अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमें प्राकृतिक आधारित काम करना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का काम करना पड़ेगा। पिपलांतरी पंचायत है, ये हमारी सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में आज प्रसिद्ध है, क्योंकि जो जल संरक्षण को लेकर और पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो कार्य यहाँ पर हुआ है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है, क्योंकि जैसा पालीवाल जी को इस बार अभी पद्मश्री भी मिला है, तो इनको देखते हुए कम से कम हमारी 8-10 पंचायत और हैं जो जहाँ पर इस तरह का चारागाह विकास का कार्य जो है बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। पालीवाल जी ने जब 2005 में प्रथम बार इस काम को अपने हाथ में लिया था, तो ये दिखाता है कि किस तरह एक सिंगल आदमी की एक जिद जो है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से जो है, किस तरह से जो है वो हमारे, खासकर से हमारे जो जलवायु संरक्षण को लेके जो कार्य हैं और जल संरक्षण को लेके जो कार्य हैं, उसमें अमूलचूक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और इसके लिए मैं बताऊं कि जैसे पालीवाल जी हमारी बहुत सी जो कमेटीज़ हैं उसमें हमारे मेंबर्स हैं, और हमारे ज़िले की जो बाकी सरपंच है उनकी भी यहाँ पर एक्सपोजर विजिट हम समय समय पर करवाते रहते हैं। और बहुत सी पंचायत ऐसी हैं, तासोल है और अभी रेल मगरा में भी है, जिन्होंने लगभग 100 से 200 बीघा में इस तरह का चारागाह विकास का कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत ही अच्छा कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। हम ग्राम पंचायत सवादरी से आए हैं और यहाँ पिपलांत्री में ये देखने आए हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, और यहाँ देखकर हम भी हमारे गांव में ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे और ऐसा वातावरण बनाएंगे। जब मैं 2015 में सरपंच बनी थी तब हमारे गांव में कुछ भी नहीं था। उससे पहले हरिओम सिंह जी बाबू जी ने 6 महीने गांव को गोद ले रखा था। वो हमारे राजसमंद सांसद थे, तो उन्होंने, उनके साथ श्याम सुंदर जी पालीवाल भी आए थे। उन्होंने, श्याम सुंदर जी ने एक ही बात बोली थी कि आप हमारे गांव में आओ और जो मैंने काम किया है, जो मैंने अपने गांव में काम किया, आप वो काम देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपके यहाँ भी करेंगे। मैं पंचायत की पूरी टीम को लेकर पिपलांत्री गई थी और वहाँ पर मैंने देखा उन्होंने बेटियों पर, पानी पर, गोचर भूमि पर, जल संरक्षण पर बहुत सारा अच्छा काम कर रखा था।
तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर जैसा आपने किया है मैं ऐसा का ऐसा मैं अपने गांव में भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैंने उसी दिन आके पटवारी साहब से बात करके हमारी चरागाह भूमि पूछी तो उन्होंने बोला कि 450 बीघा हमारी चरागाह है। दूसरे दिन श्याम सुंदर जी से बोला कि हमारे ऐसा काम करना है तो उन्होंने वो काम शुरू करवा दिया जहाँ पर गोचर भूमि बेटी के नाम पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और बहुत सारे फल वाले पौधे लगाए, बांस वाले पौधे लगाए और ट्रेंचे बनवाई जिससे है ना बारिश आए तो सारा पानी उन ट्रेंचों में रुके और चरागाह भूमि से मतलब बाहर ना आए वो पानी और जहाँ पानी गिरा वहीं पानी रुके। ये आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो ये जो चरागाह में जो बिल्कुल एक बंजर सी भूमि थी उस पर, तो ये मॉडल हमने पिपलांत्री श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब जो पूर्व सरपंच थे अभी वर्तमान में उनकी मिसेज सरपंच है अनिता जी पालीवाल उनकी तरफ से रोल मॉडल के रूप में आपने हमें यहाँ पूरे गाइडलाइंस करते हैं और हम उनके अनुसार काम कर रहे हैं कैसे पानी पिलाना है क्या काम करना। और इन 8 महीनों में हमने लगभग हमने 10,000 पेड़ लगाए हैं, 152 बीघे ज़मीन है चरागाह पूरा जो बंजर सी भूमि थी अतिक्रमण कर दिया लोगों ने और आने वाले भविष्य में ये पेड़ 1 साल बाद बहुत बड़े हो जाएंगे, 3-3, 4-4 फीट के पेड़ हो चुके हैं और भविष्य में आपको दिखेगा पिपलांत्री मॉडल 5 साल में श्याम सुंदर जी की प्रेरणा से ही वैसे ही मॉडल 5 साल में बनने वाला है। आज तक सरपंच सिर्फ इतना ही समझता था कि मेरा काम सीसी सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करके गांव के लोगों को मतदाताओं को खुश करना, सरकारी ज़मीनें खराब हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सरपंच को जो प्राथमिक इकाई है सरकार की ग्राम पंचायत के सरपंच वार्ड पंच को समझाने की कोशिश की है कि सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करना आपका काम नहीं है, PWD है उसके लिए और विभाग भी सरकार के हैं, आपकी आवश्यकता हो तो आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका काम सूखे हैंडपम्प में पानी डालने का है, किसान के सूखे कुएं में पानी डालने का है, गांव की वाटर सप्लाई के सूखे कुएं में पानी डालने का काम है, वन्य जीवों को बचाने का काम है और वन्य जीवों को बचाने का एकमात्र जरिया है कि आपकी आरक्षित जमीनों में आप जल संरक्षण के काम कीजिए जिससे जंगलों में पानी हो जाएगा, वन्य जीव भी बचेंगे, पेड़ पौधे लगा दीजिए और सरकारी ज़मीनें जो बेस कीमती ज़मीनें एक एक ग्राम पंचायत में 5,000 बीघा ज़मीन, 10,000 बीघा ज़मीन, 4,000 बीघा ज़मीन एक एक ग्राम पंचायत में आरक्षित की हुई है, गोचर भूमि, चरागाह भूमि है अन्य नामों से, उस ज़मीन का मालिक है तू, तुझे बचाना है उस ज़मीन को और उस ज़मीन को बचाकर पंचायत की आय बढ़ानी है, ये समझाने की कोशिश की हमने। चलो 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 एक बार चलो। जो हमारा ये पिपलांत्री मॉडल है इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें जो सरकार की ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है जैसे कि हमारी नरेगा चल रही है या वाटरशेड विभाग की स्कीम चल रही है या ग्रामीण विकास की जो अन्य स्कीमें चल रही हैं उन्हीं के पैसे को एक जगह इकट्ठा करके ये सभी कार्य जो आपको दिख रहा है ये किया गया है, तो इसलिए ये कार्य बाकी सरपंच भी जो आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सरकार की मदद से जो है सोलर ऊर्जा को लेके बहुत बड़ा काम है यहाँ पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे कई जो पंचायत में सोलर ऊर्जा से संचालित हमारे वाटर पंप हैं और जो भी हमारे ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पे लेके जाएंगे। हमारे पेड़, हमारे पौधे और हमारे बच्चों में
फर्क नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि यह पेड़ मेरी बेटी के पुण्यतिथि में सबसे पहले लगाया गया था। हमारे गांव में बेटियों के जन्म पर और हमारे परिजनों के, प्रियजनों के स्मृति में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उनको हम उस रूप में देखते हैं कि ये मेरे बेटी की स्मृति में पेड़ लगाए, या मेरी माँ की स्मृति में पेड़ लगाए, या मेरी बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाए। तो हम बच्चों में और पेड़ों में फ़र्क नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ का पर्यावरण लगातार सुधर रहा है। मैं शायद 2 साल पहले वहाँ पे गई थी अपने संस्था के साथ, क्योंकि हम वहाँ पे पेड़ लगाने वाले थे। वो जो उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट एक जो राजस्थान का होता है उसको बिल्कुल उन्होंने अलग कर दिया था। वो जगह जहाँ पे पिपलांत्री, जहाँ पे उन्होंने ये अनोखा काम किया हुआ है, उसका जो टेम्परेचर है वो जो आपके नॉर्मल बाहर अगर वहाँ से निकले उससे 2-4 डिग्री कम था, तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था। और सबको उन्होंने वहाँ पे वो ले कर चले थे इस काम में, ये बहुत ही सुंदर बात थी। जो नॉर्मल लोग हैं उनको बहुत अवेयरनेस हो गई थी कि पर्यावरण क्या होना चाहिए, ज़िंदगी आगे कैसे बितानी चाहिए, हर चीज़ को कैसे साथ में लेके चलना चाहिए। पालीवाल जी के साथ तो मैं 2005 में जुड़ी, जब ये सरपंच बने उसी से। हम पहले तो हम घर पे रहते थे, घर का काम गाय भैंसों करना, गोबर डालना, ये काम करते। उसके बाद सरपंच बनने के साथ भी इन्होंने काल रात का काम स्टार्ट करा था। तो हम महिलाओं को कहा कि भाई सब आप बाहर निकलो, कुछ बाहर निकलोगे तो देखोगे तो कुछ कर पाओगे। तो हम 2006 से अकाल रात का काम स्टार्ट हुआ। उनका अकाल रात में सब गांव की सारी महिलाएं अकाल रात के काम में गई। धीरे 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 मतलब ये सड़कें भी नहीं थी, वाटरहोल भी कई, पानी की भी कमी थी। तो पालीवाल जी ने कहीं तो ऐसे चेक डैम बनाए जहाँ पक्के कच्चे, जहाँ से पानी रुकता रुकता बारिश का पानी आता है, जहाँ लास्ट में बना दिया पक्का चेक डैम, वो पानी उसमें भर जाता है। तो पानी की ऐसी समस्या थी कि हम घर से टिफिन लाते थे, यहाँ पानी की बोतल साथ में लाते थे। तो बोले से आपको कोई आएगा, आएगा मेरा मेहमान तो उसको अपना टिफिन दे देते, मगर पानी नहीं देते थे कि नहीं हमारा पानी की बोतल आप ख़त्म कर दोगे तो हम 2 किलोमीटर दूर जाके वापस कैसे लाएंगे। ये स्थिति थी 2008-09 में। उसके बाद ये पानी का चेक डैम बनवा के पानी रुका, तो आज हमारे यहाँ वाटर भी अच्छा है, 200-250-300 फीट में पानी अच्छा गहरा ट्यूबवेल में खोद आ जाता है। ये बरसाती नाले सूखे बरसाती नाले थे जिसमें बरसात के समय में पानी आता था और बरसात जैसे ही ख़त्म हुई, बंद हुई, उसके बाद ये नाले वापस सूख जाते थे। इन बरसाती नालों के ऊपर की तरफ हमने चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचें, बरसात का पानी धरती माता के गर्भ में उतार कर धरती को पानीदार बनाने का काम किया है, जिससे ये बरसाती नाले वापस पुनर्जीवित हुए हैं और इन गर्मियों में भी इनमें कल 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 करके पानी बह रहा है। और इसके किनारे जो किसानों के कुएं हैं वह रिचार्ज हुए हैं और किसान वापस खेती करने लगे हैं। इसी तरह से नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो पिपलांत्री के लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने माइनिंग की आज वही नुकसान की भरपाई में लगे। किसान, आप नीचे देखिए, बंजर ज़मीनें हैं। उस बंजर ज़मीनों पर एक महिला ने, हमारे गांव की एक किसान महिला ने प्रतिज्ञा ली, कई सालों से मेरे खेतों में खेती नहीं हो रही है, पर मैं इस साल 100 क्विंटल गेहूं पैदा करूंगी। और वो सामने दिख रहा है, वो 100 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ इस साल पैदा करेगी। ये कोरोना जो हुआ इसमें बाहर से हमारे घर वाले, रहने वाले बच्चा सब घर पे आए, तो घर पे बैठे बैठे क्या करें, कुछ काम करें, तो खेत पे कुछ काम करवा दें थोड़ा बहुत, तो मशीन बुलवाई, 5-15 दिन मशीन चली, फसल बोने का टाइम आ गया तो तैयार हो गए खेत, वो हमने बोवा दिए। लगभग 50 साल शादी को हुए पर पहली बार हमने हमारे खेतों में फसलें बोई, और बोई तो बोले 100 क्विंटल गेहूँ कमाएंगे हमारे खेतों में से।
इस ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी के नाम पर हम 111 पौधे लगाते हैं। अभी तक 2007 से लेकर 6-7 से लेकर अभी तक एवरेज हर एक बेटी के नाम पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं। प्रत्येक बेटी के परिवार से जब बेटी का जन्म होता है तो वर्ष में एक महोत्सव रखकर हम वो हर बेटी के नाम पर वृक्षारोपण करते हैं और वह महोत्सव होता है पिपलांत्री पर्यावरण महोत्सव के नाम से। एक दिन गांव में गांव की जितनी भी बेटियों का जन्म हुआ है वह बेटियां अपने माता पिता के सिर पर पालने के रूप में, जैसे कृष्ण भगवान को यमुना पार करवाया गया था, उसी तरह से हर माता पिता अपनी बेटी को, माँ अपने सिर पर पालने में बेटी को लेकर आती है, पिता अपने हाथ में पौधे लेकर आता है और खड्डे खोदने का साधन लेकर आता है। और हमारी सरकारी ज़मीनों पर जो हमारी चारागाह ज़मीन है उस पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और दूसरे दिन जो बेटियां पूर्व में पिछले वर्षों में जिन बेटियों ने जन्म लिया और जिन बेटियों के नाम पर पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए, जो पेड़ बन रहे हैं, वह बेटियां अपने माता पिता की गोद में पैदल चलकर आती है और जो पूर्व में पौधे लगाए गए हैं, जो पेड़ बन रहे हैं, उन पर रक्षा सूत्र बांधकर, राखी बांधकर उन पेड़ों को बचाने का संकल्प लेती है और यह संदेश देती है कि यह पौधे मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने लगाए थे और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, इस नाते यह पेड़ मेरा भाई है। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में बेटियों के नाम पर लाखों पौधे लगे हैं और बेटियों के जन्म के अलावा भी हम सरकार की विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमने इस कामों को लोगों की भावनाओं से जोड़कर काम किया है। जैसे बेटी के जन्म पर पेड़ लगे और कोई व्यक्ति अगर उधर से निकलता है या उस पेड़ को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या कोई खुली चराई करते हैं तो वो व्यक्ति यह महसूस करता है कि पौधे मेरे जन्मदिन पर, मेरी बेटी के जन्मदिन पर हमने लगाए हैं। बेटी बड़ी होकर यह ध्यान रखती है कि यह पौधे मेरे जन्मदिन पर लगाएं तो मैं किसी भी कीमत पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रक्षाबंधन के दिन हम यही मैसेज देने का काम करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकारी ज़मीनों पर, रोड साइडों में, स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, चारागाहों में, बरसाती नालों के किनारे किनारे, शमशान घाटों पर, जितनी भी हमारी सरकारी ज़मीनें हैं उस पर हमने बड़ी संख्या में नीम, शीशम, बरगद, पीपल, चंदन, नाग केसर, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, जामुन, आम, इस तरह के सहतूत और इस तरह के बड़ी संख्या में पौधे लगाकर पेड़ बनाने का काम मेरे गांव के लोगों ने किया है। कतरा मीनार भी है, डेढ़ मीनार भी। अच्छा, अनुसूचित नाम पर आप एफ डी करवाई, अन्य नाम पर करवाई, जहाँ शायद भी करवाना चाहे तो
थाना नामरी करवा वहाँ पे। मैं शपथपूर्व निवेदन करती हूँ कि किरण निधि योजना में मैं अपनी बेटी शिवांशी को लाभार्थी करना चाहती हूँ। मैं किरण निधि योजना की सभी शर्तों का पालन करूँगी। मैं अपनी बेटी की शिक्षा से वंचित नहीं रखूँगी, वह अच्छी शिक्षा दिलाऊँगी। मैं मेरी बेटी के नाम पर लगाए गए 111 पौधे की रख रखाव उसी तरह करूँगी जिस तरह मेरी बेटी शिवांशी की करती हूँ। हम 21,000 रुपये जन सहयोग से इकट्ठा करके हम लोग देते हैं, 10,000 उसके पिता से लेते हैं और फिर महीने हर महीने उसका पिता 100-500 जितना हजार जितना बन सके वो पैसा वो बेटी के खाते में डालता है, जिससे वो खाता लगातार चलता रहे और 14 वर्ष की उम्र के बाद वह पैसा लेना बंद हो जाएगा और 18 वर्ष की उम्र के बाद उस बच्ची को शिक्षा के लिए पैसा मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए, और 22 वर्ष की उम्र के बाद उस बेटी को पूरा पैसा मिलेगा जो बड़ी संख्या में होगा उसकी शादी या उसके कोई काम करने के लिए पैसा काम होगा, बेटी आत्मनिर्भर हो जाएगी। देखिए बेटी आत्मनिर्भर हो रही है, बेटियों के नाम पर हमारी ज़मीनों में जो बंजर ज़मीनों में पेड़ लगाए थे वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये एक ऐसी योजना है, एक ऐसा काम है जो मेरी बेटी की स्मृति में मेरी बेटी के नाम पर शुरू की गई है। हम जो यहाँ पर पिपलांत्री में देख पाए हैं वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक जनप्रतिनिधि की जो सोच है या जो विजन है उससे पूरे क्षेत्र की कायापलट हो सकती है। ब्लॉक राजसमंद में इस तरह का एक एग्जाम्पल है जिसको कि ना केवल हमारा प्रदेश बल्कि पूरे देश में जिसको फॉलो किया जा रहा है, उसको हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर लागू करने की हमारी चेष्टा रही है। माइनिंग एरिया जहाँ भी होते हैं वहाँ क्राइम, शराब, सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन श्याम सुंदर जी जब सरपंच बने और उन्होंने उसके बाद उस गांव में कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करने स्टार्ट किए, गांव का जो भी व्यक्ति है, गांव का जो भी यूथ है, तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने जागरूक किया और साथ ही शराबबंदी या शराब नहीं पीना या अपराध जो मुक्त है उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। ये एक ब्यूटिफुल मॉडल बन सकता है पैन इंडिया, क्योंकि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है और हर विलेज और हर जगह की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसको उस ब्लूप्रिंट को लेके वो उसको जोड़ के अपने हिसाब से इसे आगे लेके जा सकते हैं। हारा भाई लक्कड़ भाई, राम 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 रामू काका राम राम। अरे भाई क्या हाल चाल है लक्कड़ राम जी तुम्हारे? बस सब ठीक है। अरे भाई क्या बात है क्या बात है, अभी कहाँ जंगल ही जा रहे हो? वही जो पहले काम करते थे वही? नहीं नहीं वो काम तो मैंने छोड़ दिया रामू काका। तो अभी कहाँ जा रहे हो? बस अभी पेड़ पौधे लगाने जा रहे हूँ, जब से आपने बताया है, जब से आपका प्रोग्राम देखा है, जब से वही कर रहा हूँ मैं तो। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब आपने अभी पेड़ वेड़ लगाना चालू कर दिया है, पेड़ पौधा? कब से चालू कर दिया मैंने तो रामू काका। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया आपने, पेड़ पौधा लगा रहे हो। पहले जैसे आप जंगल में जाते थे और जंगल के अंदर पेड़ काटते थे तो अपनी जमीन है ना, जमीन वो बंजर हो जाती थी, खाली जंगल हो जाता था। पर्यावरण को तो अपने को बचाना है, पेड़ पौधा लगाना है, जब तक है हरियाली जब तक है खुशहाली। सही है रामू काका, सही बात है। तो आपको पता है सब रोगों की एक ही दवा, पर्यावरण स्वच्छ रखो भाई। सही है रामू काका। एक पेड़ बच्चे की तरह होता है, छोटा सा पेड़ उगाते हो, एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो लक्कड़ राम जी अपन गांव के लोग उसके पेड़ की छाया में बैठेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतनी ठंडी छांव मिलेगी अपने को, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा अपने गांव के अंदर। सही है रामू काका। तो इसलिए क्या है कि गांव-गांव में पेड़ लगाओ और अपने गांव को हरा भरा बनाओ। जैसे पिपलांत्री के अंदर पेड़ पौधे गांव के लोगों ने लगाए हैं, पंचायत के लोगों ने हरा भरा किया है, उसी तरह अपने गांव को भी अपन हरा भरा करेंगे पिपलांत्री की जैसे, और पेड़ पौधे अपने को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। मार मायड़ भूमि तो दोनों एक समान,
पंडित दीन दयाल रे आदर्श गावन करो प्रणाम। पत्थरा पर उपजे फल फूलट इणी बढ़ावे शान, निर्मल सुंदर स्वच्छ प्यारो पिपलांत्री मारो गांव। निर्माण थे वेबसाइट पंचायत री है कचरे रो निदान थे, पालिका ने शिक्षा दे व्यक्तित्व रो विकास करे, चोरी हत्या लूट को नी भाईचारे सु काम करे, वसुंधरा औषधि किरण योजना इनवी बढ़ावे शान, अन्य छात्र ग्राम संसद सुन रो बढ़ गयो मान।